सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ इस पर मैंने के थ्रू आप ग्राहक के आधार कार्ड से पैसा विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ अगर कोई भी ग्राहक आपकी शॉप पे आता है आधार कार्ड लेकर पैसा विड्रॉल कराने के लिए, आप किस तरह से ग्राहक के आधार कार्ड से पैसा विड्रॉल करेंगे, आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करें छोटे एक स्टेप, लाइक कीजिए, अगर चैनल पर चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए आपको सबसे पहले इस बार मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लेना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड, आपको आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना पड़ेगा। पहले से मैंने लॉगिन करके रखा है। चलिए आपको यहाँ पे देखिए, आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ पे देखिए एपीएस विड्रॉल पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप पूरी तरीके से पूरी लिस्ट खोल के आपके बाद कुछ समय वेटिंग करना पड़ेगा। आपको देखिए यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं, यहाँ पे मिनी स्टेट में कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं ग्राहक के अकाउंट में। चलिए यहाँ पे मैं विड्रॉल करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे विड्रॉल आपको यहाँ पे देखिए बैंक आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पूरी बैंक की लिस्ट आ जाएगी। बैंक को यहाँ पे व्यू ऑल बैंक पे क्लिक करना पड़ेगा। जिस भी बैंक से आप ग्राहक के अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हो वो बैंक को आपको सर्च करें। जैसे यहाँ पे मैं इलाहाबाद से निकालना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मर्चेंट इलाहाबाद बैंक, न्यू इंडियन बैंक, इधर बैंक मर्चेंट हुआ, इसमें मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखिए टू ऑप्शन आएंगे, आधार नंबर या वर्चुअल आईडी। मैं आधार नंबर से करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए कस्टमर का आधार नंबर डालना है, जिस भी कस्टमर का बैलेंस निकालना चाहते हैं उसका यहाँ पे आधार नंबर डाल लेना है। आधार नंबर डालने के बाद नीचे मोबाइल नंबर डालना है। चलिए पूरी फटाफट से पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर ले रहा हूँ ग्राहक की। यहाँ पे कस्टमर के आधार नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ का कस्टमर का मैंने डाल दिया है। टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। आपको यहाँ पे कोई डिवाइस सिलेक्ट करके आपको मंत्रा मरफोल स्टेयर क्या वो सिलेक्ट करना है। मेरे पास मंत्रा है, मंत्रा सिलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे स्कैन फिंगर पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक है आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कस्टमर का फिंगर लगाना पड़ेगा, जिस भी कस्टमर बैलेंस लिखा है उसका फिंगर आपको लगाना पड़ेगा। फिंगर लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रिटैक कर लेगा। रिटैक करने के बाद यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे खुल जाएगी। देखिए यहाँ पे विड्रॉल सक्सेसफुल, यहाँ पे 100 रुपीज़ कस्टमर का विड्रॉल हो चुका है। यहाँ पे देखिए जैसे कस्टमर के अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है, यहाँ पे 1460 रुपये कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है। टोटल यहाँ पे देखिए कस्टमर को यहाँ पे SMS ये रिसीव भेज सकते हैं, यहाँ पे WhatsApp पे रिसीव इसको भेज सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे एक प्रिंट करके कस्टमर को यहाँ पे पर्ची दे सकते हैं। आपका प्रिंटर मशीन है तो वो यहाँ पे करके दे सकते हैं कस्टमर को। पूरी जानकारी आपके पास यहाँ पे जितना बैलेंस, यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन आईडी अच्छी आधार नंबर हाइट है। चलिए यहाँ पर मैं कस्टमर के WhatsApp पर ये चैट शेयर कर दे रहा हूँ। WhatsApp पर क्लिक करना है। कस्टमर के अकाउंट में ये रिसीव मैंने सेंड कर दिया है। यहाँ पे देखिए यूज मी स्टेटमेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट यहाँ निकाल सकते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आपने करा वो देख सकते हैं। मेरा 100 रुपीज़ सक्सेसफुल। चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मिनी स्टेटमेंट चेक करके दिखा देता हूँ। वहाँ पर देखिए मेरा बैलेंस कितना ट्रांजेक्शन हुआ, डिटेल्स वहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मिनी स्टेटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करना, देखिए यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। जिस बैंक ने मैंने अभी इंडियन बैंक का मैंने कस्टमर से निकाला वो बैंक यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ। उसी बैंक से यहाँ पे मैंने बैलेंस अभी निकाला है 100 रुपीज़ कस्टमर के। यहाँ पे देखिए ये बैंक मैंने करा। अब यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करना है, स्कैन फिंगर पे क्लिक करना है। कस्टमर का यहाँ पे फिंगर लगाना पड़ेगा। चलिए कस्टमर का फिंगर मैं लगवा देता हूँ। फिंगर लगाने पर ऑटोमेटिक ये रिटैक कर लेगा। यहाँ पर रिटैक करने के बाद पूरी डिटेल्स यहाँ पर स्टेटमेंट की आपके पास खुल कर यहाँ पर शो हो जाएगी। वेटिंग करना है यहाँ पर कुछ समय का। आपको देखिए अब यहाँ पर पूरी लिस्ट आ चुकी है अपने जितना ही पैसा। देखिए यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ करा, यहाँ पे डेबिट कार्ड से यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ यहाँ पे देखिए टाइम डेट इसका सब यहाँ पे शो कर रहा है। जितने डेट को अपने यहाँ पे APS से ये बैलेंस निकाला है, पूरी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे खुल के आ जाएगी। जितना भी अमाउंट रहेगा ये अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। यहाँ पर आप कस्टमर के WhatsApp पर यह प्रिंटर भेज सकते हैं, यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड भी रिसीप को यहाँ पर कर सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे कस्टमर के अकाउंट से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन कमेंट करें, आप नीचे पूछ सकते हैं।